शॉर्ट में आंसर दूं तो नहीं, बस ड्रॉपआउट दरों को देखें। पर ऐसा क्यों है? अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और समझे आपको किन बातों का ध्यान रखना है अपनी लाइफ को पीएचडी में डेडिकेट करने से पहले। और इन बातों के बावजूद अगर आपको पीएचडी करनी है तो बेशक करें, हमें और पीएचडी की बहुत ज़रूरत है। पर क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए और डिटेल्स में बात करते हैं कि ऐसा क्यों। इस जवाब की सभी विशेषताओं को एक स्पष्ट प्रतिक्रिया में रखा जाए। पीएचडी के लिए विशेष रूप से उच्च स्तर की धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक मजबूत दिमाग वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो डेटा एकत्र करने और लिखने के दौरान अपने शरीर की इच्छाओं का पूरा ना करने का हौसला और धैर्य रख सके। क्लब जाना, महीनों तक एक बड़ा सामाजिक जीवन जीने की इच्छा का विरोध करना, अपने दोस्तों से दूर रहना, अपने परिवार से दूर रहना। क्या आप एक नए एक्सपेरिमेंट को काफी एक्सपीरियंस होते हुए भी पूरा कर पाएंगे और हर बार उसे उसी वैसे ही तरीके से रिपीट कर पाएंगे जैसा शुरुआत में किया था? और अगर ऐसा ना कर पाए तो हौसला नहीं हारेंगे? अनसर्टेनिटी से निपटना, एक्सपेरिमेंट का परिणाम वास्तव में क्या मतलब रखता है, ये गहन अध्ययन करना। प्रयोगों और विचारों के विफल होने पर और जब अपने सुपरवाइजर, पोस्ट डॉक, अन्य कॉलीग्स के साथ प्रोफेशनल रिलेशंस दक्षिण की ओर मुड़े, अपने कर्तव्य में डटे रह सकेंगे? आपको एक अच्छे स्तर की प्रेरणा और कम मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने की क्षमता चाहिए ताकि आप पीएचडी के उतार चढ़ाव के बावजूद पूरे अनुशासन के अच्छे स्तर से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। यूके की 1.6% आबादी के पास पीएचडी है, जिसमें से क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और थीसिस टॉपिक, इन सभी थीसिस के किसी भी एक हिस्से में से कंसीडर करी जाए तो मजाक बना देगी, चाहे वो थीसिस किसी भी टॉपिक साइंस में क्यों ना हो, क्योंकि हर पीएचडी सेम वैल्यू नहीं रखती। मैं किसी भी व्यक्ति से तर्क दूंगा जो टॉप इंस्टीट्यूट से एमएससी के प्रथम श्रेणी के अंडर ग्रेजुएट ग्रेड्स प्राप्त करते हैं, उसके पास सफल होने के लिए बौद्धिक लक्षण होंगे शायद। इस ब्रैकेट के बाहर के लोग भी होंगे जो सफल हो भी सकते हैं पीएचडी करने में और शायद नहीं भी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी पॉपुलेशन में लगभग 3 से 4% लोग होंगे या आबादी होगी जो बौद्धिक और मानसिक रूप से एक क्षेत्र में पीएचडी हासिल करने के लिए सक्षम होगी। पर मैं फिर से मानसिक कारणों पर जोर देता हूं, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो सीधे एमएससी और बीएससी लेवल पर पास होने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हैं, पीएचडी में असफल हो जाते हैं फिर भी। और ये आंशिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य, सुपरवाइजर्स के खराब मार्गदर्शन आदि के कारण होता है। बिना गाइडेंस के आजादी से काम करना और हर स्थिति के अनुसार ढलना की एक बड़ी आवश्यकता होती है पीएचडी करने के लिए, जो बहुत से लोग डील और स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद धमकाने वाले पोस्ट डॉक्स और सुपरवाइजर्स आदि के साथ जहरीले संबंधों के साथ खिंच जाना एक आम बात है। तो निष्कर्ष में, नहीं, निश्चित रूप से हर कोई पीएचडी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा डाउट है कि बहुत से लोग पीएचडी में शामिल मानसिक कारकों से निपट ही नहीं सकते हैं। ये एक बड़े पैमाने पे हिट और मिस वेरिएबल है। इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि आप वास्तव में केवल यह कर सकते हैं कि आप कोशिश करके अपने खुद के बनाए रास्ते पे पैदल चलकर और वास्तव में जाकर और अपनी पीएचडी करने में सक्षम हो तो सकते हैं, पर यह आपको खुद कोशिश करके देखना होगा। अपने आप को खुद चैलेंज करना होगा कि आप पीएचडी के चैलेंजेस को ओवरकम करें। और ऐसा नहीं है कि पीएचडी के अंत में ये मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक पोजीशंस ढूंढना, एक परमानेंट जॉब, एकेडमिक हासिल करना,
या फिर इंडस्ट्री में स्विच करना, और भी पड़ाव हैं इस जर्नी में। हाँ, पीएचडी एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, पर आखिरी में जब तक आपको अपने सब्जेक्ट और अपने विषय पे पूरा इंटरेस्ट और मोटिवेशन नहीं है, पीएचडी ज्वाइन ना करें। पीएचडी ज्वाइन करने से पहले सोचें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस फील्ड में नई जानकारी या नई नॉलेज डेवलप करना चाहेंगे, दुनिया को नई सीख देना चाहेंगे, और उसके बाद उसमें 3, 4, 5 या उससे भी ज़्यादा साल आपको पूरे डेडिकेट करके लगाने पड़ेंगे और आपको अंत में पीएचडी मिलेगी। बट हाँ, पीएचडी करने के बाद आपको एक सुकून भी मिलेगा कि आपने वो किया जो आप करना चाहते थे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर कोई भी आपके पास मेरे से अलग व्यू पॉइंट है तो शेयर करें। वी आर ओपन फॉर अ डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी पीएचडी कार्बन बेस्ड लाइफ चैनल। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमारे से टच में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें। बाय।